स्वागत है दोस्तों मेरे इस चैनल में डीके कैरियर सॉल्यूशन में। एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ इंटर द्वितीय वर्ष जैक बोर्ड की पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों के लिए एक नई क्लास। तो जो लोग मेरे इस चैनल में बिल्कुल नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हिस्ट्री की क्लासेस। और कल जैसा कि मैंने वीडियोस अपलोड किया था हड़प्पा सभ्यता के नगरीय प्रणाली के बारे में, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग चर्चा करेंगे हड़प्पा सभ्यता के जो है सामाजिक जीवन के विषय में। तो किस प्रकार से हड़प्पावासी अपने सामाजिक जीवन बिताते थे, उसकी कौन कौन सी प्रमुख विशेषताएं थी, जो तो इन सारे चीजों को हम लोग आज पूरा अच्छी तरह से अध्ययन करते हैं। और आप लोग वीडियो में पूरे बने रहिएगा ताकि आप लोगों को हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक जीवन के बारे में अच्छी तरह से ज्ञान हो सके और अपना नोट्स आप लोग सही तरीके से बना सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हड़प्पा सभ्यता में परंपरागत परिवार ही सामाजिक इकाई थी। उनकी सामाजिक जीवन सुखी एवं सुविधापूर्ण था। उत्खनन से प्राप्त बहु संख्यक नारी मूर्तियां से की प्राप्ति हुई थी, जिसके आधार पर कहा जाता है कि परिवार उसकी मातृसत्तात्मक थी। अर्थात देखिए, जो उस समय हड़प्पा सभ्यता से जो खुदाई से जो मूर्ति मिली है नारी मूर्तियां, उससे तो यही लगता है कि हड़प्पा सभ्यता में जो परिवार हुआ करता था उसका मुखिया मातृ अर्थात जो है एक महिलाएं होती थी। जिस प्रकार से आज हमारे भारतवर्ष में ज्यादातर प्रचलित है परिवार का मुखिया एक पुरुष प्रधान होता है अर्थात पितृसत्तात्मक, लेकिन हड़प्पा सभ्यता में ऐसा कहा गया है कि इसकी जो परिवार और एक सामाजिक परिवार की जो मुखिया होती थी वो उसकी एक महिलाएं होती थी, इसलिए इसे मातृसत्तात्मक कहा गया था। और मातृसत्तात्मक समाज द्रविड़ और आर्य सभ्यता की देन माना जाता है। और इसकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो इस प्रकार से हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट जो है इसकी चर्चा करते हैं। तो पहली जो इसकी प्रमुख विशेषता थी अर्थात हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक जीवन की प्रमुख विशेषताओं में जो पहली विशेषता थी वो थी हड़प्पा सभ्यता के लोग शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों ही हुआ करते थे। अर्थात वे लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे, तो ये इनकी प्रमुख विशेषता थी। दूसरी जो इसकी प्रमुख विशेषता थी उसमें खुदाई से प्राप्त सुइयों के अवशेष से संकेत देते हैं कि ये लोग सिले हुए वस्त्र पहनते थे। अर्थात जो खुदाई से प्राप्त जो सुई है या धागा, सुई धागे से प्राप्त मतलब उससे यह अनुमान लगाया गया है कि उस समय अर्थात हड़प्पा सभ्यता में जो लोग सामाजिक जीवन में जो वस्त्रों का उपयोग करते थे, जो पहनने के लिए वस्त्र हुआ करते थे, वो सुई और धागे अर्थात अपने बने हुए या बुने हुए वस्त्रों का उपयोग करते थे। तीसरी इसकी विशेषता है केश विन्यास प्रचलित थी। केश विन्यास प्रचलित का अर्थात होता है कि वस्तु विनिमय प्रणाली, अर्थात जब वस्तु का आदान प्रदान होता है तो जिस प्रकार से वस्तु विनिमय प्रणाली में एक वस्तु को लिया जाता है और उसके बदले दूसरे वस्तु को दिया जाता है, लेकिन जो हड़प्पा सभ्यता में था इस प्रकार की नहीं थी। इसमें जो है केश विन्यास अर्थात रुपयों का आदान प्रदान किया जाता था, अर्थात एक वस्तु लेने के उपरांत में हमको उसके बदले में कुछ जो है उसको मूल्य चुकाना पड़ता था, अर्थात केश विनिमय प्रणाली थी। एवं स्त्रियां जूड़ा बांधती थी तथा पुरुष लंबे लंबे बाल तथा दाढ़ी मूछ भी रखा करते थे। चौथा जो इसकी प्रमुख विशेषता है, इस सभ्यता के लोग आभूषणों के भी शौकीन हुआ करते थे। विभिन्न प्रकार के आभूषण जैसे कंठहार, कर्णफूल, हांसुली, भुजबंद, कड़ा, अंगूठी तथा करधानी आदि पहना करते थे। पांचवी इसकी विशेषता थी, श्रृंगार प्रसाधन के भी हड़प्पा वासी शौकीन हुआ करते थे। मोहनजोदड़ो की नारियां काजल, पाउडर आदि से परिचित थी। शीशे, कंधे एवं तांबे के दर्पण का भी प्रयोग होता था। चंद्रमुद्रो से लिपस्टिक के अस्तित्व का भी संकेत हमें मिला है। तो इसके आधार पे हम लोग ये अध्ययन करते हैं कि उस समय जो महिलाएं हुआ करती थी ये काफी श्रृंगार के शौकीन हुआ करती थी, काजल लगाती थी, चूड़ियां पहनती थी। इस पर जैसा कि हम लोग काली बगान में पढ़े हैं, काली बगान में चूड़ी बनाया जाता था, काली बगान से चूड़ियों के अवशेष भी प्राप्त हुए थे। तो इससे हम लोग यह अनुमान लगाते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता में महिलाएं हुआ करती थी श्रृंगार की शौकीन थी।
इसकी बात इसकी जो छठी सबसे महत्वपूर्ण विशेषताएं थी उसमें थी आभूषण बहुमूल्य पत्थरों हाथी दांत एवं हड्डी तथा शंख से बने होते थे, अर्थात जो जंतु जानवरों के सींगों से बनाया हुआ कई सारे इसके आभूषण हुआ करते थे और बहुरत्न पत्थर अर्थात जो बहुमूल्य पत्थर हुआ करते थे उससे भी बहुत सारे जो है आभूषण बनाए जाते थे। सातवीं इसकी विशेषता मिट्टी एवं धातु से निर्मित तरह तरह के बर्तनों का प्रयोग करते थे। फर्श पर बैठने के लिए चटाइयों के साथ साथ पलंग एवं चारपाई का भी उपयोग किया जाता था। तो इस प्रकार से देखते हैं कि हड़प्पा वासी बैठने के लिए चारपाई तथा सोने के लिए पलंग का उपयोग करते थे। आठवीं इसकी प्रमुख विशेषताओं में सैंदव निवासी अमोद प्रमोद के प्रेमी थे। पांसा इस काल का प्रमुख खेल था। पांसा जो है आज भी खेल में प्रचलित है, तो पांसा उस हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख खेल का स्रोत हुआ करता था। नवी जो इसकी प्रमुख विशेषता सिंधु घाटी में बहुत सारे खिलौने मिले हैं जो बहुत ही कौतूहलजनक है। इसे एक बैल रूपी खिलौना सिर हिलाता हुआ तथा एक हाथी मिला है जिसके सिर दबाने से ध्वनि उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार से कई सारे जंतुओं के आकार के या मिट्टियों से बने कुछ खिलौने भी जो है खुदाई से प्राप्त हुआ है, जिसके आधार पर हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से खिलौना का उपयोग हड़प्पावासी करते थे। दसवीं जो इसकी विशेषता है यहाँ प्राप्त नर्तकी की मूर्ति से संकेत मिलता है कि नृत्य भी मनोरंजन का प्रिय साधन रहा। गाने बजाने के भी ये लोग शौकीन थे। तो जैसा कि हम लोग नर्तकी की मूर्ति मिली है, जैसे कि नटराज की मूर्ति जो हम लोग कहा जाता है, तो इसके आधार पे हम लोग देखते हैं कि शायद उस समय मनोरंजन के भी बहुत ज्यादा लोग शौकीन हुआ करते थे, गाने बजाने का भी लोग शौक हुआ करते थे। ठीक है, और ग्यारहवीं और अंतिम जो इसकी विशेषताएं थी मछली फंसाने का कांटा एवं एक मुहर पर तीर से हिरण को मारते दिखाया जाना संकेत देता कि ये लोग शिकार के भी शौकीन हुआ करते थे। अर्थात मछली पकड़ने का कांटा, जिस प्रकार से मछली पकड़ने का कांटा हुआ करता है, इससे यह अनुमान लगा जाता है कि उस समय लोग मछली पालन करके जो है मछलियों को प्रमुख खाद्य भोजन के रूप में भी करते थे और मांसाहारी लोग कई तरह के जंतु जानवरों का शिकार करके भी वो लोग अपना जो है भोजन की व्यवस्था करते थे। और इस प्रकार से हम लोग हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक जीवन के बारे में पढ़े और इसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक और धार्मिक जीवन के बारे में। तो आप लोगों को ये मेरे वीडियो पढ़ के अच्छा लगा होगा तो आप लोग जरूर इसको लाइक करें और मेरे जो है नेक्स्ट वीडियो का आप लोग वेट करिए, ताकि उसमें जो है मैं आप लोगों को हड़प्पा वासी के सामाजिक एवं आर्थिक जीवन के बारे में बताता हूँ। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप लोगों को थैंक्स बोलना चाहता हूँ। और ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।